हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिनीज किचन। आज हम बनाएंगे मटर पोहे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए पहले सबसे पहले रखेंगे फ्राइंग पैन। मैं कह रही हूँ अपना गैस ऑन। इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, ये मैं अराउंड छोटे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल के लूंगी। इसमें तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब डाल देंगे इसमें राई। जीरा, मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही। एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने लंबा लंबा चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्च जिसे मैंने स्लिट कर लिया बीच में से। थोड़ा सा भून लेंगे, भून नहीं लेंगे बेसिकली, क्योंकि मिक्स कर लेंगे। मैंने लिए यहाँ पे आधी कटोरी मटर की, ये मैंने फ्रोजन मटर लिए है। अगर आप दूसरे मटर ले रहे हैं तो उसे पहले बॉईल कर लीजिएगा, फ्रोजन मटर को बॉईल करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं प्याज के साथ साथ ही मेरे मटर भी पक जाएंगे, तो मैं इसको डाल दूंगी, फिर मिक्स कर दूंगी और साथ साथ इसे पका दूंगी। इसको बस चलाते रहिएगा ताकि प्याज हमारे कहीं जल ना जाए। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है इसको, प्याज कच्चे ही रखने हैं हमें। इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू जिसे मैंने काट लिया है। मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, साथ ही में डाल देंगे इसमें पोहे। ये मैंने 2 कप पोहे लिए थे जिन्हें मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, बस पानी में छोड़ना नहीं है, सिर्फ वॉश करना है और छोड़ देना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डाल देंगे किशमिश, और फिर अच्छे से इसको मिक्स करके सिर्फ 1 मिनट के लिए चला लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने यहाँ पे लिया 1 नींबू का रस, 1/4 चम्मच अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने गैस को बंद कर देंगे। पोहे हमारे बनके तैयार हो गए हैं। इसे गार्निश करेंगे हम हरे धनिए के साथ, और साथ ही साथ डालेंगे थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली। इसे एंजॉय कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।